हाय साथियों, सरिता हाजिर है। एक बार फिर से आपका स्वागत करती है अपने चैनल में, सरिता की बगिया में। मैं दिल्ली से, और आज जिस प्रोजेक्ट को मैं लेकर के आई हूँ उसकी शुरुआत करो उसके पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आएगा तो उसे लाइक भी करिएगा। तो चलिए, वक्त नहीं गंवाते हैं और प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। ये एक मैंने गमला लिया है, इसमें प्लांट लगा हुआ है, रोयो का प्लांट लगा हुआ है, बोट लिली का। इसे मैं एक डॉल का रूप देना चाहती हूँ। ये गमला मैंने इसलिए यूज़ किया है, पुराना गमला है मेरा, और क्योंकि इसमें इसके देख रहे इसका जो ये है ये चिकना नहीं है, इसमें रेशे बने हुए हैं, तो इस पर अगर मैं पेंट करूँगी तो पेंट अच्छे से उभर के आएगा। इसके स्कर्ट बनाने के लिए, नीचे का पोर्शन बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर का लिया है। इसमें शुरुआत की थी, और जब मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा कि आप सबसे इसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं DIY करती रहती हूँ कभी कभी। इसके बाजू बनाने के लिए और पैर बनाने के लिए मैंने ये छोटा वाला सीडलिंग वाला जो पॉट होता है ये यूज़ किया है। इसे मैं कलर करूँगी, क्योंकि इसे कलर करना पड़ेगा स्काई ब्लू कलर में। तो ये चार लिए हैं, दो बाजू के लिए, दो पैर के लिए। कलर लिया है मैंने, ये एक्रेलिक पेंट लिया है, ब्लू, वाइट और जो भी कलर मुझे यूज़ करना है वो कलर मैंने लिया है। ये देखिए, एक्रेलिक पेंट मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए सामान चाहिए, आपको ब्रश चाहिए दो, बड़ा पेंट करने के लिए ये बड़ा वाला ब्रश, और ये जीरो नंबर का एक ब्रश चाहिए आईज वगैरह बनाने के लिए। इसमें होल करने के लिए ये सोल्डरिंग वाली मशीन मैंने ली है, इसे गर्म करके इसमें होल करूँगी बाजू बनाने के लिए, जहाँ हमें रिबन डालना होगा बाजू बनाने के लिए। उसके बाद हमें ये डोरी चाहिए होगी, जिस डोरी में हम इसके बाजू बनाएंगे और इसको लटकाएंगे। पानी ले लिया है मैंने ब्रश का कलर यूज़ करने के बाद, ब्रश को ऑलवेज मुझे धोना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने ये टिश्यू पेपर भी रखा है, टिश्यू पेपर को ब्रश को जब मैं वाटर से धो लूँगी तो उसे साफ़ करने के लिए, वरना एक दूसरे पे कलर चढ़ जाएगा। तो चलिए, हम अपने आज के इस प्रोजेक्ट की पेंटिंग करना शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले हम बनाते हैं इसकी स्कर्ट। स्कर्ट बनाने के लिए ये नीचे जो है मुझे डॉट्स बनाने होंगे, तो ये मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ बड़ा वाला ब्रश, और इस ब्रश के हेल्प से, सहायता से मैं इसे पूरा इसकी स्कर्ट को पहले ब्लू कलर नीचे बॉर्डर देने वाली हूँ। बॉर्डर दे करके फिर इसके ऊपर मैं डॉट्स बनाऊँगी। तो ये देखिए कि ये ब्लू कलर मैंने कलर करना शुरू कर दिया है, और जब ये पूरा नीचे का बॉर्डर ब्लू कलर हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर डॉट्स देने वाली हूँ। और डॉट्स देने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा ये एक स्कर्ट तैयार हो जाएगा। अब स्कर्ट कहें या फ्रॉक कहें, ये पूरा नीचे का पोर्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्लू कलर में रंग गया है, और इसे अभी मैं थोड़ी देर सूखने के लिए रखूँगी। साथ में मैंने ऊपर ये भी एक बना लिया है कॉलर, जो फ्रॉक का शेप आएगा। अब ये जब तक सूख जाता है तो मैं इसके ऊपर फिर पोल्का डॉट्स डालूंगी। उतनी देर हम जो है अब इसके ऊपर दूसरा जो ऊपर का पोर्शन है इसमें इसकी आईज बनाते हैं, और आईज बना करके और फिर इसके आगे इसके कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं। साथियों, तकरीबन ये हो गया है आधा घंटा, और बहुत बढ़िया से सूख गया है। अब इसकी स्कर्ट में मुझे डॉट्स बनाने हैं, तो ये मैंने ब्रश का पिछला हिस्सा लिया है, क्योंकि ब्रश से बनाने में शायद हाथ जो इधर उधर हो जाए, तो इसके पीछे वाले हिस्से से मैंने इसमें ये येलो कलर लगाया, और इस तरीके से मैंने इसके पूरे डॉट्स जो है इसके स्कर्ट में और जो भी फ्रॉक बनाया है उसमें बना दिया मैंने, और इसी तरीके से पूरे इसके नीचे वाले पोर्शन में भी मुझे डॉट्स बनाना है। और इस तरह से डॉट्स बनाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगेगा, और ये हो जाएगा हमारा फ्रॉक तैयार। इस बीच में मैंने आँख बना करके भी रख लिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वाले पॉट में मैंने देखिए कि इस तरीके से इसमें इतनी देर में मैंने ये आईज बनाई, और आईज बना करके जीरो नंबर के ब्रश से, और मुझे ये देखना पड़ा, इसकी एक फ़ोटो मैंने बना करके रखी हुई थी, तो इस तरह से ये आईज बन गया। तो ये ऊपर का पोर्शन बन गया इसी गमले में, और ये नीचे स्कर्ट का बन
बन गया है। अब इसके डॉट्स को पूरा बना करके और फिर ये जो गमला मैंने छोटा वाला दिखाया था इसे कलर करना है मुझे स्काई ब्लू में, और स्काई ब्लू में कलर करके और फिर मैं अभी आपके सामने हाजिर होती हूँ। तो इस तरह से साथियों देखिए कि ये मैंने इसके बाजू कलर करके और 15-20 मिनट का टाइम दिया, और ये इस तरह से देखिए अंदर की तरफ से यूँ ऐसे ही ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने इन्हें दोनों तरफ से अंदर की तरफ गिट लगा दी है, और यहाँ लगा करके अंदर वैसे ही अंदर है, ऊपर से मैंने इसे पेंट कर लिया। तो ये हमारे बाजू बन गए जो कि मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी, और दूसरा जो मुझे पैर बनाना था उससे मैं भी लेकर के आपको दिखाती हूँ कि उसे भी मैंने कलर कर लिया है, और ये कलर भी जो है वो सूख चुका है। तो ये बाजू के लिए मैंने यहाँ लगा करके इसके अंदर एक गिट लगा दी है, और यहाँ पे मैंने पीछे गमले में जो होल होता है उस यहाँ पे मैंने दो होल कर लिए हैं। एक तरफ से मैंने ये धागा निकाला, ये देखिएगा पीछे वाला जो पोर्शन होता है, और दूसरी तरफ से धागे को हमें डालना है यहाँ पे इसके अंदर, और उसके बाद दूसरे वाले में गिट। तो दोस्तों जितने बड़े हमें इसके पैर रखने थे उतने बड़े मैंने इस रस्सी को भी काट लिया है, इस तरफ से लगा दिया, और इसमें ये दोनों तरफ से होल एक तरफ से इन करके और यहाँ से आउट करके फिर इधर इन कर दिया। तो ये देखिए ये गमला भी वैसे ही है, पुराना गंदा सा है, तो बाहर मैंने इसे पेंट किया है। तो अब हमें लगा देनी है यहाँ पे गिट, और गिट लगाने के बाद ये इसके पूरे के पूरे पैर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए साथियों इस तरीके से इसके अंदर से जो मैंने होल के अंदर लिया था उसमें पहले लगाई एक गिट, और एक गिट काफ़ी है। इसको गिट को लगाने के बाद थोड़ा सा इसे टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद फिर इसे जो है हम एडजस्ट कर देते हैं कि वो दोनों एक बराबर सीक्वेंस में आ जाए। अब इस तरह से देखिए कि इन्हें दोनों को सीक्वेंस में लगा दिया मैंने, और ये नीचे का पोर्शन तैयार हो गया है। नीचे के पोर्शन के बाद ये इसके जो पैर हैं ये नीचे कुछ यूँ दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इसमें एडजस्ट करना है इस प्रोजेक्ट में इनके बाजुओं को। तो इनके दोनों बाजुओं को हमने एडजस्ट करना है यहाँ पे, बस ये दोनों जो इनके गहरे वाले पोर्शन होते हैं यहाँ पे मैंने इन्हें एडजस्ट कर दिया, बस यूँ ही रख देना है। और यूँ रखने के बाद देखिए कि कुछ बाजू इस तरह से नज़र आ रहे हैं, और जो मैंने पेंट किया था जिसमें आईज वगैरह बनाया था इसे बस इसके ऊपर से मुझे यूँ एडजस्ट कर देना है इसके ऊपर। तो ये देखिए ये यूँ एडजस्ट हो गया, ये देखिए इस तरह से एडजस्ट हो गया। तो ये पूरी डॉल मेरी जो है वो इस तरह से दिखने लगी है। ये देखिए इतने खूबसूरती से मैंने इसे, आप सबने पेशेंसली मेरा साथ दिया, तो ये खूबसूरत सा बन गया। तो देखा थोड़े से प्यार से अगर किसी भी चीज़ को जो बेकार फालतू चीज़ है आपके घर में और बर्बाद हो रही है उसे अगर इस तरह से आप अपने कल्पना रूपी उड़ान के साथ जोड़ देते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ तैयार हो जाती है। और इस प्रोजेक्ट को बना के मुझे बहुत खुशी हुई है। आप सब ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये, तो मेरा हौसला बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगी मेरी, और मैं इस तरह से और भी चीज़ें आपके लिए बना करके लाऊंगी। हाँ हमेशा नहीं, बोर करने के लिए नहीं, कभी कभी जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो ज़रूर आपको दिखाने के लिए लाऊंगी। और देखिए ये डॉल कितने अच्छे से ऊपर नज़रें करके देख रही है और मुस्कुरा रही है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के साथ इसकी तरफ से, इस डॉल की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना साथ दिया, और अपना खूब ख्याल रखिए, और फिर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आपके लिए आऊँगी तो आपसे बताऊँगी। अब अपना ख्याल रखिए, अपने गार्डन का ख्याल रखिए, और इस तरह से बेकार पड़ी चीज़ों को कोई एक नया रूप दीजिए। करिए स्वीकार अपनी साथी सरिता का प्यार भरा नमस्कार।